हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं पनीर की सब्ज़ी। और इस पनीर की सब्ज़ी में हम लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करने वाले हैं, इसमें लहसुन प्याज नहीं जाएगा। बिना लहसुन प्याज के हमें पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। कोई भी नहीं बता पाएगा देख करके या खा करके कि ये बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनी है। सिर्फ वो एक ही बात बोलेंगे कि आज सब्ज़ी बहुत टेस्टी लग रही है, कुछ अलग तरीके से बनाया है क्या। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए डाल दिया है और उसमें मैंने 2 चम्मच घी लिया है। आप चाहे जो भी ऑयल यूज़ करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं, या फिर बटर भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास साल्टेड बटर है तो इसीलिए मैंने साल्टेड बटर यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इसमें व्रत वाले जो नमक सेंधा नमक आता है सो डालूँगी मैं, तो मैंने साल्टेड बटर इसीलिए नहीं यूज़ किया है। नहीं तो आप नॉर्मल बटर हो तो वो यूज कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप व्रत में जो ऑयल खाना प्रेफर करते हैं वो ऑयल यूज़ करेंगे। तो घी हमारा गर्म हो गया है, हम इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले। तो इसमें मैंने लिया है 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा और 3-4 लौंग ले लिए हैं। तो इन सबको हम घी में डाल देंगे और इसको चटकने देंगे। और इसी में हम डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्च मैंने डाली है, इसको इस तरह से तोड़ दिया है ताकि ये उड़े नहीं। अगर आप इसको तोड़ के या फिर काट करके नहीं डालेंगे तो ये उड़ते हैं, चटकते हैं तेज़ी से। और दूसरा काम कर सकते हैं कि ये जो पलटा है ना चमचा जिससे हम चलाते हैं उसके ऊपर आप इस तरह से रख दें तो कभी चटकता भी है ना फौरन, तो वो ज़्यादा ऊँचा तक नहीं उड़ेगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर को कट करके लिया था, तो उसको हम डाल देंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने 10-12 बादाम को भिंगो करके रखा था तो उसको भी हम इसमें डाल देंगे। बादाम की जगह पे आप काजू भी डाल सकते हैं, या फिर मूंगफली, काजू और बादाम नहीं यूज करना चाहते हैं तो मूंगफली के दाने भी डाल सकते हैं। उसको भी भिंगो करके इसी तरह से हम इसमें डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। और साथ में हम थोड़ा सा नमक, तो नमक यहाँ पे मैं सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ, तो नमक डाल दिया ताकि ये टमाटर जो है बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और इसको ढक देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि टमाटर हमारा जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे 1-2 मिनट हो गया है, ढक्कन हटा दिया हमने। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं इसको। तो टमाटर अच्छी तरह से गल गया है, बिल्कुल टमाटर अच्छे से मैश हो रहा है, तो ये बिल्कुल ही तैयार है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको ठंडा करके इसको ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी जार में। तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, पंखे के नीचे डाल दूँगी और फिर ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो प्लेट में फैला करके रखें तो जल्दी ही ठंडा हो जाता है ये। तो इस तरह से मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है, पंखे के नीचे अब हम रख देंगे इसको। और जब तक ये ठंडा होता है तब तक कुछ मसाले हम यहाँ पर एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट लिया है, इसमें मैंने सबसे पहले एक धनिया पाउडर लिया है, तो धनिया पाउडर मैंने 1 चम्मच लिया है। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी तीखी वाली मिर्च डाली है। और साथ में 1/2 छोटी चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है जो तीखी ज़्यादा नहीं होती है। और साथ में मैंने 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया और ये मैंने 1/2 छोटी चम्मच इसमें गरम मसाला डाल दिया है। तो सारे मसाले हमने अभी ही डाल दिए हैं इसमें और इसको हम थोड़ा सा पानी डाल करके एक पेस्ट सा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये मसाला बनके तैयार हो गया है, मसाला का घोल। और हमारा टमाटर भी यहाँ पे ठंडा हो गया था, जो टमाटर फ्राई करके रखे थे तो उसको भी ग्राइंड कर लिया है हमने, तो ये भी हमारा ग्राइंड हो गया है। अब हमने जिस कढ़ाई में टमाटर को भुना था उसी में मैंने 1 बड़ा चम्मच मैंने घी फिर से ले लिया है और इसको घी को गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, तो यहाँ पे मैंने 1/2 छोटी चम्मच के लगभग जीरा लिया है, इसको डाल दिया और इसको हम चटकने देते हैं। और इसी में हम डाल देते हैं तेज़पत्ता, तो तेज़पत्ता आप 1 से 2 यूज कर सकते हैं, तो तेज़पत्ता भी मैंने डाल दिया। अब हम डाल देंगे इसमें कसूरी मेथी, तो कसूरी मेथी
डालते समय आप ध्यान दें कि तेल घी जो भी यूज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होंगे तो ये जल जाएंगे, तो उस स्टेज में आप नहीं डालें, इसको बाद में डालें। तो मेरा घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था तो मैंने कसूरी मेथी अभी ही डाल दी, और साथ में मैंने जो टमाटर का जो पेस्ट बना के रखा था, टमाटर और हरी मिर्च और बादाम का, उसको डाल दिया। उसको डालने के बाद हमने जो सूखे मसाले का पेस्ट बना करके रखा है उसको भी हम इसमें डाल देंगे। और टमाटर हरी मिर्च के साथ अगर आप अदरक यूज करना चाहते हैं तो अदरक भी आप डाल करके उसके साथ ही आप ग्राइंड कर लें। अदरक मैं थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ खाने में, तो इसलिए नहीं यूज़ किया है। और साथ में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है मसालों को। तो इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं, लहसुन प्याज भुनने में ज़्यादा टाइम लगता है तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो मसाले को ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही में मैंने नमक भी डाल दिया है मसाले में, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। तो मैंने पानी डाल दिया, तो बहुत ज़्यादा देर 1 से 2 मिनट तक उसको भून लेंगे इसी तरह से मसाले को। अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं ये जो क्रीम है, फ्रेश क्रीम, घर की मलाई है तो उसको मैंने निकाल के रखी थी, तो वो भी हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इस ग्रेवी में मसालों के साथ में। अब हम इसको ढक करके 2-3 मिनट पकने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम का ध्यान रखें, 2-3 मिनट हो गए हैं तो अब मैं खोल करके अब इसको चेक कर रही हूँ। तो थोड़ा सा नीचे से लगने लगा था ग्रेवी पर, मैंने इसको तो बट जली नहीं थी, तो इसीलिए आप फ्लेम का ध्यान रखें, कम रखें और फिर भी एक मिनट के बाद ज़रूर चेक कर लें कि ग्रेवी अच्छे से पक रही है कि नहीं। तो यहाँ पे मसाले मेरे जले तो नहीं थे बट थोड़े से लगने स्टार्ट हो गए थे, तो फिर मैंने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मसालों को। अब हमारी ग्रेवी तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए पनीर। तो पनीर को आप चाहे तो हल्का सा सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, मैंने इसको डायरेक्ट यूज़ किया है क्योंकि ऐसे पनीर ज़्यादा ही सॉफ्ट रहते हैं। तो फिर अब हम डाल देंगे इसमें गरम मसाला। तो यहाँ पे मैंने 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। ग्रेवी हमारी तैयार है, पनीर हमने डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया, साथ ही हमने डाल देना है कुछ फ्रेश कटे हुए हरे धनिया के पत्ते और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे अब एक बार। तो ये सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है लगभग, और ये जो बिना लहसुन प्याज की सब्जी है टेस्टी तो बनती है और साथ में बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। तो हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है, तो चलिए अब हम इसको फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो ये हमारी पनीर की सब्जी बनके तैयार है बिना लहसुन प्याज की, और बहुत ही टेस्टी सब्जी और बहुत ही आसानी से बनने वाली, मतलब कि और बहुत कम टाइम लेने वाली। जितना टाइम हम देते हैं लहसुन प्याज डाल करके, तो प्याज को भुनने में टाइम, लहसुन अच्छे से भुनना चाहिए तभी उसका फ्लेवर आएगा, तो उससे कम टाइम में सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप भी, आपको भी कभी किसी व्रत में पूजा त्यौहार पे बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनानी हो तो आप इस पनीर की सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई